सो हे गाइज, वेलकम टू माई YouTube चैनल। सो गाइज, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पर जो जियो रिलायंस इंडस्ट्री है, जो जियो कंपनी है, वो जियो कंपनी यहाँ पर TikTok को वापस इंडिया में लाने की कोशिश कर रही है। यानी कि जियो यहाँ पर TikTok को वापस खरीद कर और इंडिया में रीलॉन्च करने की यहाँ पर योजना बना रही है। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को यहाँ पर फुल इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ कि यहाँ पर जियो किस तरीके से इस TikTok को खरीद रहा है एंड यहाँ पर TikTok को यहाँ पर रीलॉन्च करने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों, वहीं पर मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर ट्विटर एंड माइक्रोसॉफ्ट वो भी यहाँ पर अमेरिका में, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर TikTok को अमेरिका में भी बैन कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट और यहाँ पर ट्विटर, ये दो ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो कि यहाँ पर इस TikTok को खरीदना चाह रही हैं अमेरिका के लिए। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को यहाँ पर फुल इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि ये सारा मामला क्या चल रहा है। और दोस्तों, ये रिपोर्ट कल ही निकल के आई है कि यहाँ पर जियो और यहाँ पर TikTok का यहाँ पर कोलैबोरेशन होने वाला है और यहाँ पर इंडिया में दोबारा से लॉन्च हो सकती है आज। सो गाइस, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मेरी इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, जब भी आप लोगों की सबको समझ में आएगा। सो गाइस, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो TikTok है वो इंडिया में बैन हो चुका है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 29 जून को यहाँ पर इंडिया में 59 चाइनीज एप्लीकेशन को बैन किया था, जिसमें कि यहाँ पर TikTok का भी नाम शामिल था। उसी तरीके से यहाँ पर जिस प्राइवेसी कंसर्न्स को लेकर और सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पर उसको लेकर इस TikTok को बैन कर दिया गया है। TikTok को बैन करने के बाद इंडिया से, आप लोगों को पता होगा कि इंडिया में TikTok के 200 मिलियन यानी कि 20 करोड़ लोग अभी यहाँ पर इंडिया में TikTok को चलाते थे, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, TikTok को बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है। यानी कि TikTok इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी मार्केट बन चुकी थी रेदर देन चाइना। सो गाइस, अब मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर अब TikTok को इन पार्च कर चुका है। वहीं पर TikTok ने अपनी सारी प्राइवेसी को भी चेंज कर दिया है, प्राइवेसी पॉलिसीज को। तो अब यहाँ पर TikTok को सिर्फ एक ऐसा इन्वेस्टर चाहिए जो यहाँ पर TikTok में इन्वेस्ट करके और जितना भी सारा सर्वर है उसे इंडिया में लॉन्च करा के फिर TikTok को लॉन्च करा देगा। इसी तरीके से यहाँ पर जियो कंपनी यहाँ पर काम करने वाली है। रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ पर पता चला है कि यहाँ पर जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो यहाँ पर TikTok की पेरेंट कंपनी यानी कि बीटा डांस को यहाँ पर खरीदना चाह रही है, खरीद के उसे यहाँ पर TikTok को इंडिया में रीलॉन्च करने की कोशिश कर रही है। वहीं पर दोस्तों, आप लोगों से बात कर लूँ मैं यहाँ पर अमेरिका की, अमेरिका में भी ऐसा ही मामला चला है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर TikTok को अमेरिका में बैन कर दिया। TikTok को यहाँ पर अमेरिका में बैन करने के बाद यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट भी सामने निकल के आई है, जो कि यहाँ पर TikTok को खरीद सकती है अमेरिका के लिए। कई सारे और ऐसे यहाँ पर कंट्रीज हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर इस TikTok को खरीद कर अपने उस चाइना से सर्वर को हटाकर अपने अमेरिका में सर्वर लगाकर और TikTok को द्वारा रीलॉन्च करने की कोशिश कर रही है अमेरिका में। वहीं इस रेस में यहाँ पर ट्विटर भी शामिल हो चुका है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर TikTok की जो नेटवर्थ है वो है 10 बिलियन। तो वहीं पर ट्विटर की बात करें, ट्विटर उसे खरीदना चाह रहा है TikTok को केवल अमेरिका के लिए। तो हम ट्विटर की बात करें तो यहाँ पर ट्विटर को कम से कम ट्विटर की नेटवर्थ निकाले तो वो है 29 बिलियन, वहीं पर TikTok की है 10 बिलियन। तो इसका मतलब साफ साफ ये निकलता है ट्विटर TikTok को नहीं खरीद सकता। वही बात करें यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट में अभी यहाँ पर बात पूरी नहीं हो पा रही अमेरिका के लिए। तो लेकिन अमेरिका में अभी TikTok बैन है, तो आगे चल कर देखते हैं क्या ये TikTok और यहाँ पर ये माइक्रोसॉफ्ट दोनों कोलैबोरेशन करके अमेरिका में TikTok को रीलॉन्च कर सकती है या नहीं। तो अब हम वापस आकर इंडिया की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या जियो और TikTok दोनों कोलैबोरेशन करके इंडिया में रीलॉन्च होने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर ऐसा इंडिया में होता है तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि यहाँ पर TikTok के 200 बिलियन पहले ऑलरेडी यहाँ पर यूज़र थे, लेकिन आप लोगों को बता दूं जियो के यहाँ पर 400 मिलियन यूज़र्स हैं अभी इंडिया में। तो अगर ऐसा हुआ कि TikTok यहाँ पर जियो के साथ कोलैबोरेशन करके इंडिया में लॉन्च हो गया, तो यहाँ पर TikTok को 2x यानी कि दुगनी तेजी से यहाँ पर ग्रोथ मिलेगी। यानी कि जियो के भी यहाँ पर उनको सब्सक्राइबर, जितने भी जियो के यूज़र्स हैं उन सभी को भी यहाँ पर TikTok को यूज़ करने का फ़ायदा मिल जाएगा। वो कैसे, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जियो है, उसकी पेरेंटल कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री। वहीं पर बात करें TikTok की, तो TikTok की पेरेंटल कंपनी है बीटा डांस। वहीं पर इन दोनों में बातचीत चल रही है। अब जियो क्या करने वाला है, जियो अपना एक जियो 5 मोबाइल लॉन्च करने वाला है,
जिसके कई सारे लीक्स आप लोगों के सामने आ चुके हैं। अगर ऐसा होता है टिकटॉक के साथ कोलैबोरेशन करके और टिकटॉक को यहाँ पर अगर जियो फाइव में उन्होंने यहाँ पर लॉन्च कर दिया, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर जियो फाइव मोबाइल जो कि एक जियो वन मोबाइल की तरह सेम टू सेम दिखता है और सेम टू सेम यहाँ पर आने वाला है, जिसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा डाउन करके यहाँ पर बताई जा रही है। अगर ऐसा हुआ जियो और टिकटॉक का कोलैबोरेशन, तो ज़रूर जियो उस टिकटॉक को यहाँ पर अपने मोबाइल में फीचर्स ऐड करके देगा, जिससे यहाँ पर टिकटॉक को सीधा सीधा यहाँ पर 40 मिलियन यानी कि 400 मिलियन सीधे सीधे टिकटॉक को यूजर्स मिल जाएंगे और टिकटॉक को इतनी तेजी से ग्रोथ मिलेगी कि अभी तक किसी ने सोचा नहीं होगा। सो गाइस, अब मैं आप लोगों से यहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर इंडिया में टिकटॉक रीलॉन्च होता है तो क्या आप लोग टिकटॉक को यूज़ करोगे या नहीं? आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए और मैं आप लोगों को मैं इस बारे में बताता हूँ, अगर टिकटॉक इंडिया में अभी लॉन्च होता है या नहीं, ये तो उन दोनों के बीच की बात है। लेकिन यहाँ पर सोर्सेस की तरफ से खबर निकल के आएगा, जब से टिकटॉक बैन हुआ है इंडिया में, जब से वो टिकटॉक यहाँ पर अपने इन्वेस्टर को ढूंढ रहा है। लेकिन हम यहाँ पर एक रिपोर्ट के अनुसार भी बता सकते हैं कि टिकटॉक और जियो का कोलैबोरेशन कैसे पॉसिबल हो सकता है। पॉसिबल इस तरीके से हो सकता है कि यहाँ पर जियो में कई सारे इन्वेस्टर आ चुके हैं, आप लोगों को पता होगा जहाँ पर लॉकडाउन चल रहा था वहाँ पर जियो के इतने सारे इन्वेस्टर आ चुके थे, डे बाई डे यहाँ पर इन्वेस्टर बढ़ रहे थे। फेसबुक और गूगल और कई सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जिन्होंने यहाँ पर जियो में इन्वेस्ट कर दिया है। अगर जियो इस टाइम पर जितने भी पहले कर्ज से अब यहाँ पर जियो मुक्त हो चुकी है, तो वहीं पर आप लोग बता दो जियो के पास अभी इतना पैसा है कि वो 7वें नंबर पर चल रही है पूरे बिजनेस कैटेगरी में, और जियो का ब्रांड चल रहा है दूसरे नंबर पर, एप्पल के बाद जियो का सीधा ब्रांड आता है दूसरे नंबर पर। तो यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है कि टिकटॉक और जियो का कोलैबोरेशन यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अभी हम बता नहीं सकते ऑफिशियली, अभी कोई रिपोर्ट निकल के नहीं सामने आई है। सो गाइस, यही मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी कि यहाँ पर टिकटॉक और जियो का कोलैबोरेशन होने वाला है, यहाँ पर टिकटॉक रीलॉन्च होने वाला है। अगर आप लोगों को मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का बटन आएगा उसे भी दबा देना। सो गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।